हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। और इस समय की इस विषम परिस्थिति में, जब आप लोग की पढ़ाई सुचारू रूप से क्लासेस में न हो करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोग को जब पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज हम आप लोग के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 5, जो आप लोग का वैदिक पीरियड था, इसके आगे के पोर्शन को हम लोग आज देखेंगे। और आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज़ों को, जो भी आज हम आपको बताएंगे, उसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। और अगर आप लोगों ने उन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझा, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इस चैप्टर पर अपनी कमांड जो है आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, वैदिक पीरियड को जब हमने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी, और बहुत ही तेज़ गति से उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत की हिस्ट्री में जब 1500 BC, आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो जब 1500 BC के पास जब हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन जब समाप्त होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां से हमारे देश में वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, वहां से वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक, वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत करने वाले, वैदिक सभ्यता में हम जिन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्य। उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्य। जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आर्य हुआ करते थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे। देखिए, अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग इतिहासकार जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग सबके अलग अलग मत हैं। कोई मानता है कि ये यूरोपियन एशियन के थे, कोई मानता है मध्य एशिया, कोई कहता है वेस्ट एशिया के, ठीक है। पर मुख्यतः जो सबसे अधिक जिसको अपनाया गया है, जिस आइडियोलॉजी को, वो ये है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। सबसे पहले जब आए थे बेटा, तो ये जो सिंधु नदी के किनारे का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहां पर आए थे। सरस्वती नदी जहां पर थी, जो इस समय पूरी तरह जो अब नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे शास्त्रों ग्रंथों में मिलती है, अब ये क्योंकि ये नदी सूख चुकी है, तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे के क्षेत्रों में आकर के बसे थे, जो आज के अगर मैप में हम भारत के देखें बेटा, तो भारत का हरियाणा हो गया, और भारत का पंजाब हो गया, और पाकिस्तान का जो पंजाब का पोर्शन है, वो तो इस पोर्शन में आकर के सबसे पहले आर्य भारत में बसे थे, ठीक है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आर्य जब भारत में आए थे, तो आर्यों के आगमन के साथ ही भारत का जो इतिहास था, उसको हमारे जो हिस्टोरियंस थे, उनको दो भागों में इन लोगों ने बांटा था। पहला जो बांटा था, उसको इन लोगों ने कहा अर्ली वैदिक पीरियड। पहले भाग को इन लोगों ने क्या कहा बेटा? अर्ली वैदिक पीरियड। और इसकी जो टाइम पीरियड बताया गया, वो बताया गया 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक का जो टाइम पीरियड था, इसको हमारे हिस्टोरियंस ने कहा कि ये अर्ली वैदिक पीरियड है। दूसरा बेटा जो था, उसको लेटर वैदिक पीरियड कहा। लेटर वैदिक, इसको हिंदी में बेटा ऋग्वैदिक काल और इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बस चीज़ों को समझते चलिएगा। तो दूसरा था बेटा लेटर वैदिक पीरियड, इसका जो टाइम फ्रेम था वो था 1000 BCE से, जो हमारे स्टूडेंट्स ने माना है, 600 BCE के तक। तो ये दो अलग अलग आपके पास थे, हमारे पास जो वैदिक पीरियड है, इसको दो अलग अलग रेफरेंस, दो अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा गया है। हम दोनों की हिस्ट्री को ब्रीफली, मतलब बहुत ही अच्छे से, ब्रीफ क्या, हम उसे डिटेल में ही दोनों की हिस्ट्री को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जब शुरुआत करेंगे, तो वो अर्ली वैदिक पीरियड से शुरुआत करेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने काफी चीज आपको समझा दिया था, तो आज हम उसके आगे के पोर्शन को कवर अप करेंगे। तो हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की हिस्ट्री के बारे में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारे आर्य थे, वो कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, हर एक तरह की लाइफ को हम आज देखेंगे। तो चलिए आते हैं और पहुंचते हैं वैदिक पीरियड के टाइम पर, और वैदिक पीरियड की घटनाओं को बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही आराम, बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। चलिए, तो इसका जो टाइम फ्रेम था, उसको आप लोग याद रखिएगा, 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक का जो टाइम पीरियड था, इसको क्या कहा गया था? अर्ली वैदिक पीरियड। हिंदी में इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, पूरे पूरे टाइम फ्रेम को वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय चारों वेदों की रचना हुई, चाहे वो हमारा ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, ये सारी सभी वेदों की रचना इसी ऋग्वैदिक पीरियड में हुई, इसलिए
इनकी जो जानकारी का जो सोर्स था वो हमारे वेद ही थे, और इसीलिए इस काल का नाम ही हम लोगों लोग हमारे हिस्टोरियंस ने क्या दे दिया, वैदिक पीरियड। ठीक है, तो हमें आर्यों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है बेटा, वो हमें हमारे वेदों से ही मिलती है। तो आर्यों के बारे में जो भी जानकारी आज हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे इन्हीं वेदों से है। तो जब हम अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो कुछ भी जानकारी मिलती है उसको अच्छे समझ लीजिए, उस समय की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमको ऋग्वेद से ही मिलती है। ठीक है, इस समय की सारी जानकारी हमको किससे मिलती है, ऋग्वेद से, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया, और ऋग्वेद के द्वारा ही हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आखिर और चीजें जो समझ लीजिए आर्यों के बारे में, पहले थोड़ा सा बेसिक, आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे, उनकी जो मूल भाषा क्या थी बेटा, भारत में जब वो आए थे तो संस्कृत बोलते थे, और इसी कारण की वजह से जो वेद थे वो भी संस्कृत में ही लिखे गए। ठीक है, तो आर्यों की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, तो चलिए वैदिक पीरियड की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी। तो आज हम सीधे अर्ली वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं, और उस समय की हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं। चलिए आर्यों के पॉलिटिकल लाइफ को देखते हैं। पॉलिटिकल लाइफ में बेटा हम उस समय की राजनीतिक लाइफ को देखेंगे, उन सब के जीवन को देखेंगे कि कैसे उनका समाज चलता था और कैसे उनकी चीज़ें व्यवस्थित थी। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। तो पॉलिटिकल लाइफ में जो सबसे पहली चीज़ आपको हम समझा रहे हैं वो ये है बेटा कि जो आर्यों का जो समाज था वो उसका जो हेड होता था, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि उसमें जो पिता होता था, ठीक है, मतलब जो मेल होता था उसकी सबसे अधिक भूमिका परिवार में होती थी। एग्जाम्पल को थोड़ा सा, इसको हिंदी में बोलते हैं पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता की सत्ता हमेशा उसके परिवार में चलती थी। एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से देख लीजिए कि हमारे परिवार में सबसे अधिक भूमिका हमारे बड़े निर्णयों में किसकी होती है, हमारे पिता की ही होती है। तो ये प्रोसेस, ये जो मतलब प्रक्रिया है, ये सेम ऐसे ही वो अर्ली वैदिक पीरियड में भी इसी तरह की प्रक्रिया चल रही थी। मतलब परिवार की जो बागडोर थी बेटा वो सबसे अधिक किसके हाथ में थी, पिता के हाथ में। उस समय का जो समाज था उसका जो मुखिया जो होता था, या उस समय के समाज का जो लीडर होता था, परिवार का जो लीडर होता था, वो पिता होता था। मतलब पितृ सत्तात्मक, मतलब जो सत्ता होती थी परिवार की, ग्राम मतलब मुखिया की और उस समाज की, वो मेल पिता के हाथ में होती थी। तो पहली चीज जो आप लोग को समझनी थी वो कि पॉलिटिकल लाइफ में इनका क्या था, कि इनकी जो सत्ता थी वो पितृ सत्तात्मक था, मतलब फादर, मतलब उस परिवार का जो मेल होता था वो मुख्य होता था। ठीक है, थोड़ी सी और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पूरे इनका समाज जो बटा था, कुछ इसका ढंग कुछ इस तरह का था। सबसे पहले समझ लीजिए इन लोगों ने क्या किया था कि एक परिवार को, एक परिवार मतलब एक घर में जितने लोग रहते थे उसको इन लोगों ने कहा कुल। ये लोग उसको क्या कहते थे बेटा, कुल। ठीक है, एक फैमिली में जितने लोग रहते थे उसको ये लोग क्या कहते थे, कुल। और उसका जो मुखिया होता था, उस कुल का मुखिया, मतलब जैसे हमारा परिवार है तो हमारे परिवार का जो हेड होता था, जैसे कि कुल क्या होता है इसको समझ लीजिए, कोई भी एक परिवार, तो एक परिवार के सभी सदस्यों को क्या कहा जाता था, कुल। उस पूरे परिवार को जब मर्ज करते थे तो उसको नाम ये लोग क्या देते थे, कुल। और उस कुल का जो मेन होता था उसको ये लोग क्या कहते थे, कुलूप। इसको समझते चलिए, उसका जो मेन होता था मतलब उसका जो अध्यक्ष लीडर होता था उसका क्या कहते थे लोग, कुलूप। ठीक है, तो पहली चीज समझ लीजिए कि इनके पॉलिटिकल लाइफ में जो सबसे छोटी जो इकाई थी, जो सबसे छोटा जो यूनिट था वो होता था कुल का। कुल में क्या आता था, कोई भी एक परिवार। ठीक है, तो परिवार जो सबसे छोटा था वो कुल होता था, और कुल के मुखिया को लोग क्या कहते थे, कुलूप। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कुल, कई सारे कुल मिलकर के एक गांव बनाते थे। ठीक है, कई सारे कुल मिलकर के क्या करते थे, ग्राम की रचना करते थे। मतलब जैसे आज की चीज बात है बेटा, छोटी छोटी समझ लीजिए, अलग अलग परिवार मिला करके गांव ही तो बनाते हैं, तो वैसे ही कुल होता था और कुल से मिलकर के बनता था ग्राम। कुल से मिलकर क्या बनता था बेटा, ग्राम। और ग्राम को ये लोग ग्राम का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे ये लोग, ग्रामीणी। जैसे आजकल ग्राम के मुखिया को आप लोग क्या कहते हैं, प्रधान। ठीक है, तो वैसे गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। ठीक है, और कई सारे गांव मिलकर के बनाते थे विश। कई सारे गांव मिलकर क्या बनाते थे, विश। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, आजकल का देखा जाए
तो सबसे पहले होता है गांव, ग्राम, फिर ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, तहसील, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे उस समय का मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता था कुल, कुल मिलकर के बनाते थे गांव, ग्राम, ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी, और ग्राम मिलकर के बनाते थे विश, और विश के मुखिया को कहा जाता था, जो उसका लीडर होता था उसको क्या कहा जाता था, विशपति, और कई सारे विश मिलाकर के बनाते थे वो आपका जन, और इसके मुखिया को हम लोग क्या कहते थे, राजन, ठीक है, मतलब राष्ट्र, ठीक है, ये कई सारे उस देश को पूरा बनाते थे, ठीक है, जिसके मुखिया को हम लोग क्या कहते थे, राजन, जो राजा होता था, ठीक है। तो ये आप लोग का है बेटा उस समय का जो परिवार, उस समय का जो राष्ट्र था वो किस तरह के सेलों में बटा हुआ था, मतलब किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था, उसको हम आपको समझा रहे हैं। हम चीजों को ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही नॉर्मल वे में हम आपको समझा रहे हैं। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, क्या था आप लोग के सामने जो चार्ट दिखा, कि उस समय का जो समाज था उसको ऐसे बांटा गया था उस समय की सोशल लाइफ को, कि सबसे छोटा जो एक परिवार होता था उसको कुल कहते थे, कुल के मुखिया, कुल का जो लीडर होता था उसको कुलूप कहते थे, कुल से मिलकर के ग्राम बनता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, उसके लीडर को कहते थे, जिसको आज आप लोग प्रधान कहते हैं, और फिर कई सारे ग्राम मिलकर के विस बनाते थे, और विस के मुखिया, उस विस का जो लीडर होता था उसको विस्पति कहते थे, और कई सारे विस मिलकर के बनाते थे जन, जिसके मुखिया को राजन बोलते थे, जो राजा होता था, पहली चीज। दूसरी चीज समझ लीजिए बेटा, उस समय का जो राजा था स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड में क्या था, कि जो राजा होता था वो चुनाव, मतलब उसे चुना जाता था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो राजा का पद होता था वो इलेक्ट किया जाता था, चुना जाता था, पर आगे चल करके चुनने वाली जो प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया, राजा का बेटा ही राजा बनने लगा, ये प्रोसेस आगे आकर के चलने लगा। पर जब स्टार्टिंग हुई तो जो राजन होता था उसको कई सारे विषयों के द्वारा उसको चुना जाता था, ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और अगली जो चीज आपको समझानी है वो ये है बेटा कि दो चीजें थी उस समय, जैसे आज हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ अलग अलग कोर्ट चलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिले लेवल पर अदालतें होती हैं, लोक अदालत, तरह तरह के दीवानी के, तरह तरह के न्यायालय अदालत होती हैं। तो वैदिक पीरियड में जो दो तरह की चीजें थीं, एक सभा थी और दूसरी समिति, आप इसको समझ लीजिए। वैदिक पीरियड में मसलों को हल करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो तरह की असेंबली हुआ करती थी, जिसको पहले को कहा जाता था सभा और दूसरे को क्या कहा जाता था, समिति। सभा जो होती थी बेटा वो आप एक तरह से कह लीजिए हायर, जैसे हायर सदन होता था उसमें, उसको हिंदी में कहा जाए तो उच्च सदन, मतलब सभा में जो लोग बैठते थे वो बहुत ही अधिक शिक्षित होते थे, बहुत ही अधिक समाज में उनका दर्जा बहुत बड़ा होता था, और यहाँ पर बड़े मसलों को सॉल्व किया जाता था। जो समिति होती थी वो समिति में छोटे ग्रामीण लोग होते थे, और यहाँ पर मुख्यतः ग्रामीण गाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर निपटारा उनका किया जाता था। तो ये असेंबली थी उस समय की। तो सभा में जो था बेटा वो हायर लोग, हायर सदन था उस समय का, ठीक है, हायर असेंबली थी, जहां पर मुखिया जो होते थे, जो बड़े लीडर्स टाइप के जो लोग होते थे वो वहां पर उसकी जो लीडिंग थी वो उनके हाथ में थी, सभा की लीडिंग। और समिति जो होती थी इसकी जो लीडिंग होती थी वो नीचे के लोग करते थे, जैसे किसी ग्राम का मुखिया करता था, या यहां पर जो मामले आते थे वो गांव के से रिलेटेड छोटे छोटे मामले आते थे। तो ये बेटा आप लोग का हो गया सभा और समिति, जो उस समय की असेंबली थी, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो आपने इस समय की पॉलिटिकल लाइफ को देखा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बेटा उस समय की सोशल लाइफ को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी। तो आप लोगों ने इस चीज को समझा बेटा कि यहाँ पे जो राजा का पद होता था स्टार्टिंग में जो था वो था कि हम राजा को लोग चुन करके राजा बनाते थे, पर आगे चल करके इसको थोड़ा सा बदल गया सिस्टम, आगे चल करके जो राजा होता था उसी का बेटा राजा बनने लगा था। अब हम बात करेंगे बेटा अर्ली वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ के बारे में, चलिए समझते हैं। देखिए जैसे सोशल लाइफ में जो सबसे पहला जो बात आती है बेटा, आप लोग समझिएगा इस चीज को, वो ये आती है कि कास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे जाति व्यवस्था को कैसे रखा गया था उस समय। तो चलिए समझते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि लोगों की जाति जो होती थी वो काम के अनुसार होती थी। बात समझ रहे हैं आप, जैसे इस समय जाति जो बटती है वो कैसे बटती है बेटा, जन्म के अनुसार। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है वो जिसके यहां पैदा होता है उसी की जाति उसे मिल जाती है। बात समझ में आ रहा है आपको, लेकिन
अर्ली वैदिक पीरियड की बात में क्या समझ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो जाति होती थी वो पिता के द्वारा नहीं मिलती थी, ठीक है, वो आजकल की तरह नहीं थी कि अगर आज हम जिस फैमिली में पैदा हुए हमारी जाति वही होगी, ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि जो जाति होती थी वो काम के अनुसार होती थी। बात समझ में बेटा ना आप लोग, जाति किसके अनुसार होती थी, काम के अनुसार। आप जो काम कर रहे हैं उसी के अनुसार आपकी जाति होगी। अगर आप युद्ध वगैरह में भाग ले रहे हैं तो आप क्षत्रिय टाइप के होंगे, ठीक है, उसी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापारी वर्ग में होंगे। तो इस तरह से जाति जो थी वो कार्यों के आधार पर बटी हुई थी। लेकिन जब ये लेटर वैदिक पीरियड आता है, ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में यही जो जाति अभी कार्यों के आधार पे थी, अभी क्या था कि आप जैसा कार्य कर रहे हैं वैसी आपकी जाति है। आप चाहे जहां जन्म लें, लेकिन अगर आप काम व्यापारी का कर रहे हैं तो आप व्यापारी वर्ग से आएंगे, अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो आप अलग वर्ग से आएंगे, अगर आप छोटे काम कर रहे हैं तो आपका अलग जाति होगी। तो वो कार्यों के आधार पे होती थी, आपके जन्म के आधार पे नहीं। पर लेटर वैदिक पीरियड में जो जाति का जो सिस्टम था वो बदल गया, और जैसे आज चल रहा है कि जिस जहां आप पैदा हुए हैं वही आपकी जाति हो गई, जिस परिवार में पैदा हुए, जो आपके परिवार की, जो आपके माता पिता की जाति थी वो आपकी जाति हो गई। ये प्रोसेस लेटर पीरियड से आ जाता है। मैंने कहा आप लोगों से कि आप लोग बस नॉर्मल समझिएगा चीज़ों को, तो आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। तो लेटर वैदिक पीरियड में बेटा इस तरह से जाति का जो मॉड्यूल होता है वो बदल जाता है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने क्या सीखी सोशल लाइफ में वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के, कि इस समय की जो जाति व्यवस्था थी वो कार्यों के आधार पर थी। जो लेटर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि अब ये कार्यों के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर हो जाती है। पर अर्ली वैदिक पीरियड में जाति व्यवस्था कैसी थी बेटा, वो कार्यों के आधार पर थी। ठीक, पहली चीज आप लोग समझ लिए। दूसरी चीज समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है कि इस समय की जो सोशल लाइफ थी, इसी में हम थोड़ा सा रिलीजियस टच को भी देंगे। तो जो स्टार्टिंग में जो आर्यों का जो धार्मिक काम था, इसको समझते चलिए बेटा। ये लोग अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो बहुत ही, आप कह सकते हैं एक तरह से कि इस समय की जो लाइफ थी आर्यों की वो बहुत ही नॉर्मल थी। कोई उसमें कर्मकांड, कोई भी तरह तरह की चीजें नहीं शामिल थी, खूब पूजा पाठ, ठीक है, ये सब चीजें थी ही नहीं। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के जो आर्य थे, न तो वो पूजा पाठ करते थे, न ही मंत्रोच्चार करते थे, ठीक है। हाँ, ऋग्वेद की रचना हुई तो उसमें मंत्र हैं, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में पूजा पाठ आदि ये सब चीजें, देवी देवताओं पर विश्वास, ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड के जो आ रहे थे वो नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही लेटर पीरियड आता है, लेटर वैदिक पीरियड में, वहाँ पे धार्मिक जो जीवन होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। वहाँ पे अंधविश्वास, पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों में बहुत अधिक लोग लिप्त हो जाते हैं, बहुत अधिक लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो अर्ली वैदिक पीरियड होता है, इसमें क्या होता है बेटा कि कोई भी पूजा पाठ आदि चीज़ें ये आर्य लोग नहीं करते थे। लेकिन बाद में यही आर्य जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है तो उसमें ऐसा पूजा पाठ सारी चीज़ों को करने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना आप लोग को। तो ये है बेटा इन लोग की सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ की जो मुख्यतः चीजें थी कि इनकी रिलीजियस लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी, पूजा पाठ आदि चीजें नहीं होती थी। हाँ, कुछ चीजें हैं समझ लीजिए आप लोग। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद क्या है बेटा, अब तक की हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद होता है। तो ऋग्वेद की जब रचना हुई तो ऋग्वेद में ही आप लोग पाएंगे, आप लोगों ने गायत्री मंत्र सुना होगा, ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। और गायत्री मंत्र इसलिए लिखा गया था बेटा, इसमें सूर्य की पूजा, ठीक है, सूर्य देवता को, सूर्य को देवता मान करके उनकी पूजा करने के लिए वो मंत्र लिखा गया है। सूर्य को शबिता भी कहा जाता है, तो शबिता उन्हीं की पूजा, सूर्य के ही, मतलब सूर्य की ही पूजा के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है जो सूर्य को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद किस समय का है बेटा, अर्ली वैदिक पीरियड का, ठीक है। तो ये इसकी, इनकी बेटा बेटा अर्ली वैदिक की क्या हो गई, सोशल लाइफ। अब लास्ट हम बात करेंगे वो है इनकी इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में। चलिए समझ लीजिए इकोनॉमिकल लाइफ। तो आप लोगों ने क्या समझा अभी तक कि जो परिवार होता था उस समय का, वो उसका जो लीडर होता था, उसका जो मुखिया होता था, वो पिता होता था, मेल होता था उस फैमिली का। तो इकोनॉमिकल जो लाइफ थी, जो इकोनॉमिकल जरूरतें थी उनकी पूर्ति करने का जो दायित्व होता था, जो प्रेशर होता था, वो उसके मेल पर ही होता था। सबसे छोटा आपने बताया मैंने कि एक घर को मिला के क्या कहा जाता था, कुल। तो उसका जो लीडर होता था उसको क्या कहते थे, कुलूप। तो
इकोनॉमिकल जरूरतों को पूर्ति करने का जो मतलब भार होता था वो किसके ऊपर होता था बेटा, कुलूप के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ थी, देखिए खेती की शुरुआत आप लोगों ने बहुत अच्छे समझा था कि जब फर्स्ट हार्डर एंड फार्मर्स पढ़ रहे थे तभी आप लोग को मैंने बता दिया था, खेती की शुरुआत तो हम लोगों ने नियोलिथिक एज में कर लिया था, लेकिन इस समय की जो खेती थी वो पूरी तरह से डेवलप्ड थी क्योंकि इन लोग को 7 नदियों से पानी मिलता था और खेती, ये लोग नदियों किनारे इसीलिए तो जाते थे ताकि इनकी खेती की जरूरतें जो है वो लगातार पूरी होती रहें। इनको सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ठीक है, सतलज, कावेरी, ब्यास, इन सभी नदियों के द्वारा इनको पानी मिलता था, इसलिए खेती जो थी इस समय की वो बहुत ही उच्च दर्जे की यहाँ पे खेती ये लोग करते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी इकोनॉमिकल जरूरतें जो होती थी वो पूरी होती थी। बेटा आगे की जो चीजें हैं, आप लोग ज्यादा चीजों को हम एक ही साथ नहीं करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन आप लोग को होगा, भूल सकते हैं, आगे की जो चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अभी तक आप लोग इनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ, वो भी किसकी, अर्ली वैदिक पीरियड की, इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस महामारी के समय अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, ठीक है। और सबसे तो जरूरी है बेटा कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर मत निकलिए, और निकलिए तो अपने परिवार के जो सदस्य हों उनसे भी आप मास्क वगैरह प्रॉपर तरीके से पहन करके बाहर निकलने के लिए कहिए, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।